दोस्तों, अगर आप लोग आर ओ के बहुत सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मेरी इस बात को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आपका पूरा एक साल बर्बाद हो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये मेरे हाथ में आर ओ 2021 वाला पेपर है और 2021 से पहले आर ओ का एग्ज़ाम 2017 में हुआ था, यानी कि बीच में 3 सालों का गैप है, 3 ईयर का दोस्तों गैप है। 3 ईयर के बाद में 2021 में एग्ज़ाम हुआ था और 2021 का पेपर आप उठाकर देख लें, UPPCS से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर आया था आर ओ 2021 का। दोस्तों आर ओ का पेपर का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। अगर अभी भी आप पुराने पैटर्न के हिसाब से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल अपनी तैयारी के तरीके को चेंज कर दीजिए, अदरवाइज़ आपको लास्ट में बहुत रिग्रेट फील होगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप आप सबसे उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि आप इस बार इस एग्ज़ाम को क्रैक कर देंगे, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है। मैं नहीं चाहता दोस्तों कि किसी एक सिंगल स्टूडेंट का भी एक साल बर्बाद हो, क्योंकि कितना इमोशनल बर्डन आता है, कितना दुख होता है जब दोस्तों सिलेक्शन नहीं होता है। तो 2021 में पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है और एक गलती ना करना। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, एक ऐसे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर ले रहे हैं, ऐसी ऑनलाइन कोचिंग को ज्वाइन कर ले रहे हैं, जिन लोगों ने दो दो तीन तीन साल पहले अपना कोर्स बना के पहले से रख लिया और अब वो उस कोर्स को सेल कर रहे हैं। किसी भी ऐसी कोचिंग में एडमिशन मत ले लेना, क्योंकि वो पुराने पैटर्न के हिसाब से चीज़ों को पढ़ा रहे हैं और पुराने पैटर्न के हिसाब से पढ़ोगे तो कोई किसी भी कीमत पर आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न दोस्तों ये है। आपको मैं कई क्वेश्चंस दिखाऊं, जैसे कि करंट अफेयर्स में जैसे कोई रैंकिंग वाला क्वेश्चन है, तो अभी तक क्या हो रहा था कि रैंकिंग में सिर्फ ये पूछा जा रहा था कि बताओ एक पर्टिकुलर इंडेक्स में पहली रैंक कौन सी है, लेकिन इस वाले पेपर में आप देखो साफ साफ ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं कि जिसमें आपको पहली, दूसरी और तीसरी तीनों इंडेक्स की रैंकिंग पूछी गई है। दोस्तों मैं अपना जो कोर्स चला रहा हूँ उसमें मैं लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ, इवन आर ओ एग्ज़ाम से पहले। इकलौता दोस्तों मैं ऐसा था कि मैंने आपको पहले से बता दिया था कि पेपर का पैटर्न चेंज हो जाएगा, लेकिन वो चीज़ आपको उस समय रियलाइज़ दोस्तों नहीं हो पाई थी। इसी वजह से 2022 वाले पेपर में आपने देखा होगा कि 40 क्वेश्चन हमारे एक सब्जेक्ट से डायरेक्ट फंसे हैं। जिसको बिलीव नहीं हो रहा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर प्रूफ देख सकता है, मैंने विद प्रूफ भी दिखाया है। दूसरी एक और गलती आपको क्या नहीं करनी है कि जब भी आप दोस्तों किसी भी किताब से आर ओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व करते हो तो आर ओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी कीमत पर सॉल्व ना करना, क्योंकि 2017 में 2021 से पहले 2017 में ये एग्ज़ाम हुआ था और 2017 में जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो बिल्कुल आसान पेपर था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि चिलिका लेक कहाँ पर स्थित है, ये सब तो आज के गली का बच्चा जानता है। इस वजह से अगर आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है तो UPPCS के द्वारा आयोजित किए जाने वाले और भी जो एग्ज़ाम है, जैसे UPPCS हो गया, आपका APO का एग्ज़ाम हो गया, MO का एग्ज़ाम हुआ, UPPCS का AE का एग्ज़ाम होता है, इन एग्ज़ामों में जो GS का पेपर पूछा जा रहा है आप उन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप RO ARO के प्रीवियस ईयर पेपर बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि कई बड़ी कोचिंगें हैं, कई ऐसे कोचिंग हैं जो मैंने देखा है कि RO ARO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2017 में पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट था। इस वजह से मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, मेहनत से दोस्तों पढ़ाई करिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सबके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, माँ बाप की जिम्मेदारी का बर्डन, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत सारे इमोशनल कह सकते हो कि प्रेशर होते हैं। इस वजह से मेहनत से पढ़ो, एग्ज़ाम सभी का निकलेगा। कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।